नमस्ते, अनिल शारदा नाम है मेरा और आप नव भारत समाचार देख रहे हैं। वक्त हो चला है इस समय की सुर्खियों पर। 16 जनवरी से देश में वैक्सीन लगने की होगी शुरुआत। फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले दिया जाएगा टीका। बदायूं मामले में पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल, क्या जवाब देगी यूपी की सरकार? तमिलनाडु सरकार ने सिनेमाघरों में 100% दर्शक क्षमता बढ़ाने वाले अपने आदेश को लिया वापस। केंद्र सरकार ने उठाया था ऐतराज। अब खबरें विस्तार से। 16 जनवरी 2021 से देश में वैक्सीन लगने की शुरुआत होगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ होगी। इनके साथ ही 50 साल से अधिक और 50 साल के कम उम्र के लोगों को, कोमोरबिड लोगों को भी पहले वैक्सीन दिया जाएगा, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ के आसपास है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता के साथ कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त और मंदिर के पुजारी को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुजारी के 2 अन्य साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। रविवार को बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के मेवाली गाँव में मंदिर गई 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। महिला के परिजनों में मंदिर के पुजारी सत्यनारायण और उनके 2 साथियों पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लापरवाही बरतने के कारण उघैती थाने के थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब न तो पुलिस को मिल रहा है न ही परिजनों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर बरेली जोन के अपर पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश किए हैं कि जरूरत पड़ने पर मामले की जाँच में विशेष कार्यबल यानी STF की मदद ली जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में की जाए। महिला के परिजनों के मुताबिक मंदिर के पुजारी सत्यनारायण रविवार रात करीब 12 बजे उनके घर आए और लहूलुहान अवस्था में महिला को छोड़ गए। महिला के 19 वर्षीय बेटे के मुताबिक माँ शाम 5 बजे मंदिर गई थी और बोली थी कि देर हो जाएगी तो नानी के यहाँ रह जाऊंगी, लेकिन रात में बाबा जी के साथ 2 लोग आए और बोले कि ये कुएं में गिर गई थी, इतना कहकर तुरंत चले गए। हम लोगों ने देखा तो माँ मर चुकी थी। तेज बारिश और रात ज़्यादा होने के कारण परिजन पुलिस को सूचना नहीं दे सके। अगले दिन वो उघैती थाना पर पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायत को पुलिस ने तवज्जो नहीं दी। महिला के बेटे के मुताबिक जब हमने डायल 112 पर फ़ोन किया तब पुलिस आई, उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद FIR लिखी गई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की ओर से जब शिकायत की गई तो FIR तुरंत दर्ज की गई। बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा कहते हैं कि कुछ लापरवाही जरूर हुई है और उसी वजह से उघैती थाने के थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद महिला के साथ हुई हैवानियत की बात सामने आई, जिसमें पुलिस भी सकते में आ गई है। बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशपाल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरीके से जख्म मिले हैं शरीर पर, उससे प्रथम दृष्टता पता चलता है कि महिला के साथ रेप हुआ है और बेहद जघन्य तरीके से उसकी हत्या की गई है। यही नहीं, एक पैर भी टूटा हुआ था। वहीं गिरफ्तारी के बाद मुख्य अभियुक्त पुजारी ने पुलिस को बताया कि बारिश के चलते महिला मंदिर परिसर में स्थित कुएं में गिर गई थी। महिला को कुएं से निकालने के लिए पुजारी ने गाँव के 2 लोगों को फ़ोन करके बुलाया और उन्हीं की मदद से महिला को घर भी पहुँचाया गया। इन लोगों के साथ जसपाल नाम के ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जसपाल का कहना था कि महिला को कुएं से निकालने के बाद करीब 20 किलोमीटर दूर चंदौसी में एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए भर्ती करने से मना कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि यदि अस्पताल में समय से इलाज मिल गया होता तो शायद महिला की जान बच गई होती। महिला का मायका इसी मेवली गाँव में है, जहाँ के मंदिर में महिला की मौत हुई है, जबकि उनका घर यानी कि ससुराल यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर था जहाँ पे यह घटना हुई। महिला की माँ मेवली गांव में ही अकेली रहती है। वह कहती है कि पुजारी ने इतनी पास होने के बावजूद उन्हें क्यों नहीं खबर दी, 10 किलोमीटर दूर उसके घर लेकर क्यों गया। माँ राममूर्ति देवी का आरोप है कि पुजारी सत्यनारायण ही महिला के साथ हुई दुर्घटना के लिए दोषी है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी काफ़ी गर्म हो गई है। पिछले 2 दिनों से बदायूं के मेवली और कयावली गाँव में राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का तांता लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और मौजूदा सांसद संघप्रिया मौर्य के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी ने भी
दौरा किया है। घटना को लेकर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि थानेदार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और पोस्टमार्टम होने तक मौके का मुआयना तक नहीं किया। इसकी वजह से मुख्य अभियुक्त मंदिर का पुजारी 2 दिन तक गांव में ही रहा और बाद में फरार हो गया। यही नहीं, पुजारी सत्यनारायण 4 दिन तक गांव में ही छिपा रहा और जिले भर की पुलिस गांव में ही रहने के बावजूद उसे तलाश तक नहीं कर पाई। ये सोचने वाली बात है। तो आखिर इस पर सवाल उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए? अब तो ये योगी सरकार बताएगी और उनकी पुलिस बताएगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 100% क्षमता के साथ सिनेमाघरों के संचालन की इजाज़त देने वाले अपने आदेश को बदल दिया है। राज्य में अब केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत 50% ऑडियंस क्षमता के साथ सिनेमाघरों का संचालन किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए ऐतराज के बाद यह फैसला लिया है। बता दें कि इसी सप्ताह 4 जनवरी को तमिलनाडु सरकार द्वारा सिनेमाघरों को 100% दर्शकों की क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश दिए थे। दरअसल राज्य के सिनेमाघरों के मालिकों और फिल्म अभिनेताओं के सहित अभिनेत्रियों ने मांग किया था कि राज्य में सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ खोला जाए। इसके बाद ही तमिलनाडु सरकार ने सिनेमाघरों की क्षमता 50% से बढ़ाकर 100% करने का आदेश जारी किया था। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 10 नवंबर को सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार के 100% क्षमता के साथ सिनेमाघरों का संचालन करने संबंधी आदेश पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच AIDMK सरकार से सिनेमाघरों में 100% दर्शक क्षमता की मंजूरी देने वाले आदेश को वापस लेने के लिए कहा। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखकर आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि राज्य प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र के दिशा निर्देशों को कम नहीं कर सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों में सिनेमाघरों को सिर्फ 50% दर्शक क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी थी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी आबादी के एक बड़े हिस्से को जॉम्बी की तरह बिहेव करना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी हानि है और दुनिया भर के लोकतंत्र के लिए असन खतरा है। ये जश्न का वक्त नहीं है। मानव अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों को लेकर अमेरिकी उच्चतम व्यवस्था का नेतृत्व करते हैं। अगर उस व्यवस्था में घुन लगने को है तो इसका अर्थ है पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम में घुन लग रहा है। हालांकि इस बात का पूरा भरोसा है कि अमेरिकी जनता उनके सबसे पवित्र स्थान पर हुए हमले से जल्द ही उबर आएगी, लेकिन क्या ये ख्याल परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए कि अमेरिकी जनता को क्या हुआ है? सवाल ये नहीं है कि ट्रंप क्या कर रहा है, सवाल ये है कि रिपब्लिकन का एक बड़ा धड़ा अंध दक्षिणपंथी की तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है। आपराधिक घटनाएं होना बड़ी बात नहीं है, उससे कोई भी देश कुछ दिन में उभर ही आता है, लेकिन ट्रंप और दुनिया भर के बाकी धुर दक्षिणपंथियों द्वारा जो एक भीड़ तैयार की जा रही है वह समूची मानवता के लिए बड़ी हानि, बड़ा खतरा है। हिटलर का उदाहरण देकर पकाना नहीं चाहता, पर हिटलर के दौर पर लिखते समय मनोवैज्ञानिकों और इतिहासकारों द्वारा हमेशा ये प्रश्न जरूर खड़ा किया जाता है कि हिटलर जैसा भी था वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन उस वक्त की जनता को क्या हुआ था? यही सवाल भारत और US के संबंध में भी है। सरकारें और विधानसभाएं बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन जनता की तार्किक और वैज्ञानिक क्षमता का जो हरण किया जा रहा है उसकी भरपाई में नज़दीकी भविष्य में संभव नहीं है। एक तरफ से ये अपूर्णीय क्षति है। अगर दुनिया के सबसे मैच्योर लोकतंत्र की जनता में ये घुन लग गया है तो ये एक देश भर का नुकसान नहीं है बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्रों का नुकसान है। अन्यथा कोई कल्पना कर सकता था कि क्या कि अमेरिकी नागरिकों का ही एक झुंड अमेरिकी संसद पर हमला कर देगा और USA USA गाकर खुद को देशभक्त भी साबित करने की कोशिश करेगा। परसों की अमेरिकी घटना ने अमेरिकियों और उत्तर प्रदेश के धर्म रक्षा दलों को जोंबियों का समांतर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और उत्तर प्रदेश में कोई अंतर नहीं रह गया है, सिवाय नारों के वहाँ USA USA करके चढ़ाई दी जाती है और यहाँ धार्मिक नारे है। अमेरिकी लोकतंत्र के लिए इससे अधिक नुकसान क्या होगा कि वह आज उत्तर प्रदेश की पंक्तियों में यहाँ खड़ा हुआ है? इन घटनाओं के इतर एक बात गौर करने वाली है कि अमेरिकी राष्ट्रपति तो 5 साल में बदल लिया गया, 4 साल में, अगले भी बदल जाएंगे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री 5 साल 10 साल में बदल जाएंगे, लेकिन जोंबियों की इस भीड़ का कोई चुनाव या नामांकन नहीं होता है। ये भीड़ सेब की टोकरी में एक सड़े हुए सेब की तरह रह जाएगी। ये भीड़ अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों, अपने परिवारों, अपने शहरों और अपने मोहल्लों में खतरा बनी रहेगी।
इसकी पूर्ति नज़दीकी भविष्य में संभव नहीं है, न ही 5 साल बाद आने वाले चुनाव में, न ही एक शासक के बदलने से इसकी क्षतिपूर्ति होगी। धुर दक्षिणपंथी संगठनों का यही सबसे बड़ा नुकसान है कि ये संगठन और पार्टियाँ वैचारिक स्तर पर एक समाज के बौद्धिक और तार्किक क्षमता जो नुकसान करती है उसकी भरपाई में एक लंबा लग जाना जाता है। लेकिन नुकसान एक देश का नहीं हो रहा है, यहाँ पे तमाम जगहों का हो रहा है। और इसी को देखते हुए अब ट्रंप को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। एक मीटिंग बैठी, मीटिंग में उपराष्ट्रपति से ये आग्रह किया गया है कि वो अपने पावरों का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से इनको वो करें। अब देखना होगा कि आगे भविष्य में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप नवभारत समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।